यार आगे आप लोग भी उल्लू की वेब सीरीज का एक रिव्यू देखने के लिए, यार मैं थक चुका हूँ उल्लू की वेब सीरीज के बारे में रिव्यू बना बना के क्योंकि मैं क्या करूँ यार, मेरे को तो कुछ समझ में आ रहा और मुझे ऐसा लगता है कि मैं ही एक हूँ जो उल्लू की वेब सीरीज का रिव्यू करता है, क्योंकि क्या करूँ यार, हमारे चैनल ही कुछ ऐसा है कि हमारे चैनल पे आपको सारी लगभग वेब सीरीज का रिव्यू मिलता है। क्या करें, आज की तारीख में उल्लू वाले मुझे ऐसा लगता है बहुत पैसा कमा रहे, क्योंकि इस तरीके की छुटियों पंते वाली कहानी कौन बनाएगा, कौन खर्चा करेगा। लेकिन उल्लू वालों को मैं इतना ही बोलूंगा, अगर तुम लोग इतने ज्यादा पैसे खुजा रहे तो यार तुम लोग मेरे चैनल अरहान एंटरटेनमेंट को जरूर स्पॉन्सर करो यार। हमारे चैनल को आप लोगों के स्पॉन्सर की बहुत ज्यादा, स्पॉन्सरशिप की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसे, क्योंकि इस तरीके की चूतिया पंती वाली कहानी बिल्कुल उल्लू वाले ही बना रहे। इसके अलावा दूसरे भी ऐप है, लेकिन अभी फिलहाल हम सिर्फ उल्लू वाले की बात करेंगे। लेकिन छोड़ो सब भाड़ में, अब बात करते हैं इस एपिसोड की जिसका नाम है चरम सुख पजामा पार्टी। यू तो चरम सुख एक सीरीज है जिसमें अलग अलग एपिसोड हमको देखने मिले, तो आज ये एक एपिसोड देखने मिला छठा या सातवां एपिसोड से इस सीरीज का। तो बात करते हैं इस एपिसोड की, तो ये एपिसोड की लगभग 21 मिनट की कहानी शुरू होती है एक लड़के से जिसकी एक गर्लफ्रेंड है। वो अपनी गर्लफ्रेंड को कहता है कि मैं तुम्हारे साथ सेक्स नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपनी वर्जिनिटी तभी खोऊंगा जब मैं अपने पैरों पे खड़े हो सकूं, तभी मैं तुम्हारे साथ सेक्स करूंगा। तो उसकी गर्लफ्रेंड खुश होती, बोलती बहुत अच्छी बात है, तुम जो बोले वो बहुत सही बोले। तो फिर इस तरीके से कहानी आगे बढ़ती, वो लड़का मुंबई जा रहा है अपनी फैमिली के साथ, वहीं पे सेटल होने। वहां पर वो कॉलेज जाता, कॉलेज में उसको कुछ दोस्त मिलते, लेकिन दोस्त लोग बोलते कि तुझे अगर हमसे दोस्ती करनी, हमारे ग्रुप में आना, तो तुम्हें हमारी पजामा पार्टी में आना पड़ेगा। तो पजामा पार्टी के लिए वो जब वहां जाता है, वहां जाने पर उसको पता चलता है कि एक लड़की है जो बार डांसर है, जो भी है, उसको इसके दोस्त लोग बुला के डांस कराए ले। बाद में फिर एक दोस्त का मूड होता है उसका सेक्स करने का, तो वो उसको बोलता है कि मैं तुमको 10,000 रुपए एक्स्ट्रा दूंगा, तुमको मुझसे सेक्स करना पड़ेगा। लेकिन वो लड़की बोलती नहीं, मैं तुम्हारे लिए फ्री में सेक्स करूंगी अगर राहुल मेरे साथ सेक्स करने को तैयार होता है। तो क्या राहुल उसके साथ सेक्स करेगा? क्योंकि राहुल अपनी गर्लफ्रेंड को वादा किया अगर वो अपनी वर्जिनिटी लूज करेगा तो वो सिर्फ उसकी गर्लफ्रेंड के साथ ही करेगा। तो क्या वो उस डांसर के साथ सेक्स करता है या नहीं करता है? बेसिकली यही कहानी है। और इस तरीके की चूतिया वाली कहानी सिर्फ और सिर्फ उल्लू वाला ही बनाता है, क्योंकि इसमें कितना आदमी देखेगा, मतलब कोई हद होती है। मतलब ऐसी कहानी मतलब क्या सोच के कौन है राइटर, उनके हाथ काट देना चाहिए, और जो डायरेक्टर है उसको साले को डायरेक्टर से बैन कर देना चाहिए, इस इंडस्ट्री से हटा देना चाहिए। क्या है, क्या समझ में नहीं आ रहा मुझे। मतलब अपने घर की कहानी बताते हो कि पड़ोसी की कहानी बताते हो, या खुद की जो दिमागी के जो शैतानी जो कीड़े है वो निकालते हो इस वेब सीरीज के थ्रू, उल्लू की वेब सीरीज के थ्रू, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। अब आप लोग को मैंने कहानी बता दी, आप लोग खुद समझ सकते हो कि क्या चूतिया बनने वाली कहानी थी। तो सीरियसली बोल, इस तरीके की चूतियापन से दूर रहो, उल्लू की वेब सीरीज से दूर रहो। अगर फिर भी आपको देखना है तो आप उल्लू की वेब सीरीज देख सकते हो। आई थिंक सबसे सस्ता अगर किसी वेब सीरीज को देखने में पैसा खर्चा होता है तो वो है उल्लू ही है। तो उल्लू की वेब सीरीज अगर आपको देखना है, अगर आपके अंदर बहुत सारे कीड़े हैं तो आपको कीड़े वो बाहर निकालना है तो उल्लू की वेब सीरीज देखे। अदरवाइज इस तरीके की नशे से, मतलब बहुत बहुत भयानक नशा, लोग बोलते हैं ड्रिंकिंग और स्मोकिंग है, लेकिन मैं बोलता हूँ उल्लू की वेब सीरीज भी एक बहुत ही खतरनाक नशा जो इंसान को अंदर ही अंदर खोखला बना रही, खा रही है। और मैं पर्सनली इतना बोलूँ कि ये इस तरीके की वेब सीरीज देख देख के मेरा मेंटल जो है दिमाग का स्क्रू ढीला हो चुका है। और ये सिर्फ आप लोगों के लिए, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, जो मेरे आंखों को जो टॉर्चर देता हूँ, जो मेरे कानों में जो सड़ी सड़ी आवाजें जो सुनता हूँ, तो यार मैं सिर्फ आप लोगों के लिए करता हूँ। तो आप लोग मेरी मेहनत को अप्रिशिएट करो, इस वीडियो को शेयर करो। और हाँ, वीडियो में आज ज्यादा कुछ मूड में नहीं था, क्योंकि यार मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होगा, बहुत चिढ़ चुका यार। अब तो बस ऐसा लगता है कि उल्लू की वेब सीरीज का रिव्यू करना ही खत्म कर दूंगा। तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल करें सब्सक्राइब, और हाँ वीडियो को ज्यादा शेयर करें। और अगर आप लोग का बैड कमेंट है तो आप कर सकते हो यार, बिंदास करो, कमेंट करने में कोई मेहनत नहीं आती, बिंदास कमेंट कर सकते हो। तो यार मैं भी हूँ आपसे कल किसी नए वीडियो में।